हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मुदगल बायोलॉजी में। आज हम एल्गी के दूसरे ग्रुप जिसका नाम है फेओफाइसी के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने क्लोरोफाइसी के बारे में पढ़ा, जो कि ग्रीन शैवाल है, ठीक है, जिनके पास क्लोरोफिल ए में बी पाया जाता है। आज हम फेओफाइसी के बारे में बात करेंगे, जो कि भूरे शैवाल है, यानी ब्राउन एल्गी है। अब देखिए हम इनको कैसे याद करेंगे। एक आता है रेड एल्गी, जो कि लाल शैवाल है। अब तीनों में यदि हम याद करने की ट्रिक देखें, तो जैसा कि हम जानते हैं कि ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी कलर्स हैं वो मेजर तीन कलरों से मिलकर बने हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू, ठीक है। वो कलर कौन कौन से हैं? रेड, ग्रीन और ब्लू, ठीक है। तीनों का मिक्सचर ही कोई भी कलर हमें दिखाई दे रहा है तो वो तीनों के कलर से ही मिक्स होकर बना है, या उसमें रेड है और ग्रीन है, ब्लू है, ये बेसिक कलर्स हैं, ठीक है। अब यही तीन शैवाल हमारे पास हैं, रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी और ब्राउन एल्गी। तो लिंक करता है ये कहीं ना कहीं, रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, ब्लू की जगह ब्राउन कर सकते हैं हम इसको। तो ऐसे हम इसको याद कर सकते हैं, जो तीन तरह के एल्गी हैं। पहला है ग्रीन एल्गी क्लोरोफाइसी, दूसरा है फियोफाइसी ब्राउन एल्गी, और तीसरा है रोडोफाइसी रेड एल्गी। आज हम जो बात करने वाले हैं वो फियोफाइसी के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि भूरे शैवाल हैं, यानी कि ब्राउन एल्गी हैं। अभी किसकी वजह से भूरे होते हैं वो हम आगे देखेंगे। तो देखें क्या होता है, यदि हम इनके आवास की बात करें, हैबिटेट की बात करें, तो इनका जो हैबिटेट है वो मराइन है, यानी कि जितने भी भूरे शैवाल हैं, ब्राउन एल्गी हैं, वो सब समुद्र के पानी में पाए जाएंगे, ठीक है, लवणीय जल में पाए जाएंगे। तो ये इनका आवास हो गया। अब यदि हम इनके साइज और फॉर्म की बात करें, तो इनके साइज और फॉर्म में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा भिन्नता पाई जाती है इनके साइज और शेप में। कैसे, यदि हम इनके सबसे छोटे रूप की बात करें तो ये सिंपल और ब्रांचड हो सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ यदि हम इनकी दूसरे की बात करें तो ये फिलामेंटस हो सकते हैं, जो कि एक्टोकार्पस है, तंतु में है, जो कि एक्टोकार्पस किसके अंदर आता है? ब्राउन एल्गी के अंदर। सिंपल ब्रांच हो सकते हैं, इसके साथ ही ये सघन यानी घने हो सकते हैं और लंबे हो सकते हैं कई मीटर, जैसा कि कैल्प्स में होता है, ठीक है। कैल्प्स जो होते हैं वो 100 मीटर्स ऑफ हाइट होती है उनकी, यानी वो 100 मीटर तक होते हैं लंबे, ठीक है। आप अंदाजा लगा सकते हैं 100 मीटर कितनी ऊंचाई होती है। एल्गी जो कि इतने छोटे से शैवाल हैं और वो लंबाई में कहाँ तक हैं? 100 मीटर, ठीक है। और छोटे से छोटे शैवाल कौन से हैं? जैसे क्लेमाइडोमोनास है, वो एक सिंगल सेल एल्गी है। तो आप इनकी डाइवर्सिटी देख रहे हैं कितनी ज़्यादा भिन्नता है इनके अंदर, ठीक है। तो डाइवर्स इन साइज एंड फॉर्म, बहुत ज़्यादा भिन्नता है इनकी साइज और फॉर्म में लेके। अब यदि हम इनके कलर की बात करें तो क्यों ये ब्राउन है? क्लोरोफाइसी के अंदर उनका कलर था ग्रासी ग्रीन, जिम्मेदार था क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। यहाँ बहुत सारे लोग जिम्मेदार हैं, कौन कौन है? क्लोरोफिल तो है, क्लोरोफिल का दूसरा भाई है क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल ए है, दूसरा भाई क्लोरोफिल सी, उसके साथ ही कुछ जैंथोफिल हैं और कैरेटिनॉइड्स हैं, जो कि इनको ब्राउन बनाते हैं। अब ब्राउन एल्गी प्रॉपर ब्राउन नहीं है, ग्रीन में थोड़ा सा हम कोई कलर यानी ब्लू कलर मिलाया हमने ग्रीन में, तो ग्रीन में जैसे ही हम ब्लू कलर मिलाएंगे तो उसके शेड्स बन से जाएंगे, ठीक है। शेड कैसे बनेंगे? पहले वो डार्क ग्रीन होगा, ठीक है, फिर डार्क होने के बाद ऑलिव ग्रीन में चेंज होगा, ऑलिव ग्रीन के बाद फिर वो ब्राउन में चेंज होगा, तो ये शेड्स बनते जाएंगे। तो जो ऑलिव ग्रीन टू ब्राउन ऐसे इनका चेंज होता है, ठीक है। ऑलिव ग्राउन से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि एक्टोकार्पस है, यदि आप उसकी पिक्चर देखेंगे तो वो ग्रीन, ऑलिव ग्रीन उसका कलर होता है, थोड़ा सा जैतूनी हरा, ठीक है, और ब्राउन एल्गी तक जाता है, ठीक है। तो क्लोरोफिल ए है और क्लोरोफिल सी है, साथ ही जैंथोफिल है और कैरेटिनॉइड है। एक है फाइकोजेंथीन, ठीक है, फाइकोजेंथीन जो कि टाइप है जैंथोफिल का, ठीक है, फाइकोजेंथीन ही इनको क्या बनाता है? ऑलिव ग्रीन टू ब्राउन, जो शेड्स प्रदान करता है वो शेड कौन देता है इनको? जैंथोफिल, जो कि टाइप है किसका? फाइकोजेंथीन का, ठीक है। फाइकोजेंथीन, कैरेटिनोइड, जैंथोफिल, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, ये सभी मिलके इनको ब्राउन रंग देते हैं, ठीक है, ब्राउन कलर इनको प्रदान करते हैं। अब यदि हम इनके स्टोर फूड की बात करें तो इनमें स्टोर फूड जो होता है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है। वहाँ कार्बोहाइड्रेट्स थे और स्टार्च, ठीक है, जो कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेकेराइड है, और उसी के साथ थे फैट्स ऑयल ड्रॉप्स के रूप में। लेकिन यहाँ क्या है?
ओनली ऑन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कौन कौन से हैं? वो मैनीटॉल है, लेमिनिन है, दो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, इनके रूप में ये अपने फूड को स्टोर करके रखते हैं। इसी के साथ यदि हम इनके सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल अंदर से सेलुलोज की, जैसे कि किसके अंदर थी, क्लोरोफिल क्लोरोफाइसी के अंदर, सेलुलोज की इनर सेल वॉल सेलुलोज की बनी होगी और बाहर से जो परत चढ़ी होगी वो एल्जीन की होगी। एल्जीन एक जिलेटिनी पदार्थ है, कठोर होता है, जो कि जिलेटिनी एल्जीन जो कि जिलेटिनी पदार्थ है जिसकी लेयर बाहर की तरफ बनी होती है जो कि इसको कठोरता प्रदान करता है। ठीक है, सेलुलोज की इनर लेयर होगी इसके अंदर। ठीक है, तो दो लेयर्स हैं, एक इनर एक आउटर। इनर किसकी है? सेलुलोज की। वहाँ किसकी थी? सेलुलोज की। आउटर किसकी थी? पेक्टोज की। यहाँ किसकी है? एल्जीन की। ठीक है, तो इसके सेल वॉल की बात हो गई। अब बात करते हैं इनके रिप्रोडक्शन। उससे पहले यदि हम इनके मॉर्फोलॉजी की बात करें तो ये देखिए यहाँ एक स्ट्रक्चर है, ये ब्राउन एल्गी बताया गया है। ब्राउन एल्गी में सबसे नीचे जड़ की जैसी रूट्स लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसको बोलते हैं होल्ड फास्ट। होल्ड करता है किसको? सबस्ट्रेटम को। जहाँ भी जिस भी स्तर से चिपका हुआ सबस्ट्रेटम से उसको ये होल्ड करेगा, किसके थ्रू? होल्ड फास्ट के थ्रू, जो कि जड़ जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं इसके पास। इसी के साथ पेड़ों की तरह, प्लांट्स की तरह इसके पास स्टॉक पाई जाती है, ब्रंथ पाया जाता है। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस करने के लिए फ्रॉन्ड लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जो कि पत्तियों जैसी संरचना है। तो हम इसको इमेजिन कर सकते हैं लाइक प्लांट। ठीक है, ये प्लांट जैसा ही दिखता है, नीचे जड़ है, बीच में ब्रंथ लगा हुआ है, ऊपर पत्तियां हैं, दैट्स लाइक प्लांट। ठीक है, तो देखिए होल्ड फास्ट जो कि जड़ों के जैसे काम करेगा, किसी चीज़ को होल्ड करवाएगा, इसके लिए ये जहाँ भी रहता है इसको होल्ड पकड़ना चाहिए, इसको जगह पकड़ने के लिए जगह चाहिए तो इससे पकड़ेगा। स्टॉक जिसको ब्रंथ खड़ी रहती है, जहाँ पत्तियाँ प्रकाश संश्लेषण के लिए पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जा रहा है। ठीक है, तो पत्तियों के लिए स्तर जुड़ने के लिए कहीं ना कहीं चाहिए, तो वो क्या है? स्टॉक। और फ्रॉन्ड लाइक स्ट्रक्चर पत्ती जैसी संरचना पाई जाती है जहाँ से ये फोटोसिंथेसिस करता है। अब इनके रिप्रोडक्शन की बात करें, तीन टाइप रिप्रोडक्शन के वहाँ थे, वेजिटेटिव, सेक्सुअल, एसेक्सुअल। ठीक है, तीन टाइप यहाँ है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल। चेंज कहाँ है? सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सेम है, फ्रेगमेंटेशन, कोई भी बॉडी पार्ट्स टूटेगा, अलग होगा, अलग ऑर्गेनिज्म का निर्माण करेगा, क्या बोलेंगे? फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वहाँ था जू स्पोर्ट्स के द्वारा, यहाँ भी है जू स्पोर्ट्स के द्वारा, लेकिन चेंज कहाँ है? जू स्पोर्ट्स का नाम बदल गया पायरीफॉर्म। क्यों हो गया इनका नाम पायरीफॉर्म? अब की बार जू स्पोर्ट्स की जो कि एक मोटाइल स्ट्रक्चर है, ठीक है, लेकिन जो क्लोरोफाइसी के अंदर जू स्पोर्ट्स थे उनके पास जो फ्लैजिला थी वो एक थी। ठीक है, अगर दो भी होंगी तो वो सेम थी फ्लैजिला, लेकिन यहाँ पे दोनों फ्लैजिला अलग अलग है, एक ज़्यादा लंबी है, एक बहुत छोटी है। दोनों ही जो फ्लैजिला है वो लेटरल निकल रही है, पार्श्वीय संरचना है दोनों के, दोनों एक ही हिस्से के दोनों साइड से निकल रही है, इसको बोलते हैं पार्श्वीय संरचना है, लेटरल स्ट्रक्चर, दोनों लेटरल निकल रही है, लेकिन एक लंबी है एक छोटी है। ठीक है, न्यूक्लियस है, तो इसको बोलते हैं पायरीफॉर्म। नाम बदल दिया जू स्पोर्ट्स का भाई, अगर वो स्पेसिफिक कैरेक्टर्स रख रहा है तो नाम भी तो चाहिए उसको अलग। ठीक है, तो नाम क्या दिया हमने? पायरीफॉर्म। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिल्कुल सेम, आइसोगेमस, एनआइसोगेमस, ओगेमस, संयुग्मकी, यदि युग्मक समान है, एक जैसे गैमेट्स हैं संयुग्मक, यदि युग्मक अलग अलग हैं, गैमेट्स अलग अलग हैं, एक बड़ा है एक छोटा है, एनआइसोगेमस, विषमयुग्मकी। यदि फीमेल गैमेट है वो मोटाइल है, उसके पास फ्लैजिला है, ठीक है, और वो चलायमान है, ठीक है, मोटाइल है, और यदि मेल गैमेट जो कि स्थिर है और उसके पास फ्लैजिला नहीं है तो कौन सी स्थिति बनेगी? स्थिति बनेगी ओगेमस। अब मैं आपको ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप इसके जो एग्जांपल हैं उनको याद कर सकते। तो देखिए इसकी याद करने की ट्रिक क्या है, एक लाइन लिखी हुई है, ब्राउन लैम्बोर्गिनी आई, फोकस करने में दिक्कत हुई। ठीक है, मैं किसी चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मान के चलो मैं पढ़ रहा हूँ, मैं कोई काम कर रहा हूँ, साइड से यदि मैं एक ब्राउन कलर की लैम्बोर्गिनी आए, लैम्बोर्गिनी जो कि एक बहुत ही लग्जरी कार है, यदि आए तो ऑब्वियसली बात है कि मेरा फोकस काम से हटेगा और मेरा ध्यान उसकी तरफ जाएगा। फोकस हटने में दिक्कत आई, फोकस करने में दिक्कत आई, ठीक है, किसकी वजह से? ब्राउन लैम्बोर्गिनी की वजह से। ऑब्वियसली बात है ब्राउन कलर की, सॉरी कलर से हम कुछ नहीं करें, यदि लैम्बोर्गिनी गाड़ी आएगी तो ध्यान हमारा हटेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ही क्लासिक कार है, बहुत ही लग्जरी कार है। अब इसको देखिए क्या हुआ, ब्राउन से ब्राउन एल्गी फियोफाइसी,
लेम्बोर्गिनी से जो बनेगा वो बनेगा लेमिनेरिया। ठीक है, आई हिंदी में लिखा हुआ है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, फोकस से बनेगा आपका फ्यूकस, जो कि ब्राउन एल्गी है। ठीक है, करने में कुछ नहीं, मैं में कुछ नहीं, दिक्कत नहीं बनेगा डिप्टियोटा, कोई से कोई मतलब नहीं। कितनी सिंपल लाइन है, मैं पढ़ रहा था, मैं कोई काम कर रहा था, ब्राउन लेम्बोर्गिनी आई, मेरा फोकस हटा, दोबारा फोकस करने में दिक्कत हुई। ठीक है, तो देखिए ब्राउन से ब्राउन एल्गी, लेम्बोर्गिनी से लेमिनेरिया, फोकस से फ्यूकस, दिक्कत से डिप्टियोटा, ये आपके एग्जाम्पल हैं। एक लाइन में आप इसको याद कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करके मुझे बताएं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। इसके बाद अगले लेक्चर में हम प्रोटोफाइसी पढ़ेंगे, जो कि लाल कलर के शैवाल हैं। ठीक है, जिनको रेड एल्गी बोलते हैं। देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।